पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रखी बैठक। चुनाव रानी अहिरवार नहीं, कमलनाथ लड़ रहे हैं, अमित शर्मा। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। विदिशा जिले के पठारी में कुरवाई विधानसभा में चुनावी समर को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आगमन 29 अक्टूबर को जनसभा को संबोधित करने को लेकर पठारी के गणेश कृष्णा गार्डन में एक बैठक रखी गई। बैठक में जिला अध्यक्ष राकेश कटारे, जिला सह प्रभारी अमित शर्मा, जिला संगठन मंत्री मोहित रघुवंशी सहित वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कुरवाई विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रानी अहिरवार भी सम्मिलित हुईं। इस अवसर पर जिला सह प्रभारी अमित शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा है कि ये चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी रानी अहिरवार नहीं, कमलनाथ जी लड़ रहे हैं। हर कार्यकर्ता आज से ही चुनावी समर में हर पोलिंग बूथ, हर गाँव में की जान लगा दें। शर्मा ने कहा कि मैं हर कार्यकर्ता को मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपके सुख दुख में हर पल, हर समय, हर वक्त आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश कटारे ने कहा है कि मैं क्षेत्र के हर व्यक्ति को नाम से, शक्ल से जानता हूं। जो भी मेरे पास आज तक आया है, मैंने उसकी हर समय हर संभव मदद की है। आज समय है, मैं आपसे कुछ मांगता हूं, इस सीट से कांग्रेस को विजय श्री दिलवाएं। कांग्रेस प्रत्याशी रानी अहिरवार ने कहा है कि मेरी हैसियत नहीं थी, पर कमलनाथ जी ने मुझ पर जो विश्वास किया है, भरोसा किया है, इसलिए मुझे आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण प्रत्याशी बनाया है। मैं आपको वचन देता हूं, विधायक मैं नहीं, विधायक आप सभी होंगे। मेरे पास ना ही पैसा है, ना ही मेरे पास अनुभव है, मेरा सब कुछ ये बैठे कार्यकर्ता ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, जब चाहो, जब 24 घंटे मैं आपकी सेवा में तत्पर तैयार रहूंगी। जिला संगठन मंत्री मोहित रघुवंशी ने कहा है कि मैंने जो संगठन मंत्री के रूप में जिले में ब्लॉक में काम किया है, अब समय आ गया है कि सभी संगठन चुनाव समर में लग जाएं एवं कांग्रेस को विजय श्री दिलाएं। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की शपथ ग्रहण की। उन सभी का वरिष्ठ नेताओं ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। और सामने आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और आदरणीय प्रभारी हमारे अमित भैया जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं और मेरा परिवार क्षेत्र की देवदत्त जनता के लिए हमेशा उनकी सेवा के लिए 2400 घंटे तत्पर रहेंगे। क्योंकि भाई साहब, जैसे आपने कहा कि टिकट मुझे सभी लोगों ने दिलाया है, क्षेत्र की जनता ने दिलाया है। भाई साहब, जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थी, तब मुझे पता नहीं था कि पठारी क्षेत्र की जनता मुझे इतने बहुमत के साथ जिताने का काम करेगी। पठारी की जनता ने, पठारी के सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे सदरता से वोट से जिता कर दिया। उन्हीं कार्यकर्ताओं की देन है कि आज मुझे कांग्रेस पार्टी ने किया। यहाँ उपस्थित सभी को मैं नाम से जानती हूँ, सभी को पहचानती हूँ, और मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि मैं हमेशा 2400 घंटे आप सबकी सेवा करूंगी। देखिए, पिछले 20 सालों से कुरवाई में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, तो उन्होंने चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, इन सबको लेकर कुरवाई विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी ने कोई विकास नहीं करा। जनता हमें मौका देगी और हमें विधानसभा जाने का मौका मिलेगा तो हम सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए व्यवस्था करने की पूरा प्रयास करेंगे। पठारी क्षेत्र के लिए भी हमने बहुत कुछ सोच के रखा है, हम करेंगे। बीएमए मंडल सेक्टर
ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, इन सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे एक हर नीचे के तबके के व्यक्ति, नीचे का तबका कौन, जो बेचारा दूर कहीं किसान भाई रह रहा है, उसका परिवार रह रहा है, जहां कोई जा नहीं सकता हो, आ नहीं सकता हो, उस तक इस योजना का लाभ। भैया पीछे एक मिनट, जो बाजार कोई जरूरी बात चल रही हो तो आप बाहर जाके कर लें। उसका एक एक चीज का लाभ कांग्रेस पार्टी ने जो योजनाएं दी है, वो हिंदुस्तान की कोई सरकार और हिंदुस्तान का कोई नेता न कभी पहले दिया है, और मैं समझता हूं कि न कोई देसी। 1200 का सिलेंडर चल रहा और 500 में, मैं उन योजनाओं को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक बार मेरा हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों से आग्रह कि वो पर्चा जो है उसको एक एक घर के दरवाजे तक पहुंचा देना, जिससे वर्तमान की सरकार और बनने वाली नई सरकार में अंतर पता चले कि आम जनमानस की जो सरकार कमलनाथ की बनने जा रही है, उन्होंने क्या क्या वचन दिए और आगे सौगाते। एक बार जब टिकट थी, मैं पठारी शायद तीसरी बार आया हूं, क्यों पठारी, लेकिन मैक्सिमम जितने लगभग कार्यकर्ता हैं, मैं उनको शकल से, नाम से नहीं जानता, तो शकल। 29 तारीख को माननीय कमलनाथ जी कोरवाई चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहा है, उसी तारतम्य में आज पठारी में बैठक हुई है, और अभी हम यहाँ से जाने के बाद कोरवाई में बैठक करेंगे, और संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जरूरत से ज़्यादा संख्या में उस सभा में उपस्थिति दर्ज कराने का, भागीदारी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे, तो शानदार सभा सफल हो, और जिससे कि वह हमारे भावी मुख्यमंत्री उनकी आने वाली सरकार का संदेश आम जनता तक दे सके। सबसे बड़ा मुद्दा आज बेरोजगारी का, महिलाओं पर अत्याचार का, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार का है। आज जो लोग किसान, जो गरीब था, वो बद से बदतर और गरीब होता जा रहा है। आज हम पठारी के विकास की कोरबाई में बात करें, हम पठारी में खड़े, क्या वादे किए थे विधायक की, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री 18 साल इसी जिले से नाता रहा, मेरे पठारी के लोगों की कितनी चिंता करी। यहाँ का नौजवान आज भी बेरोजगार, यहाँ महिलाओं पर अत्याचार है, किसान बीज के लिए परेशान है, डीपी के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है, तमाम और बेचारे की हालत लगातार खराब होती जा रही है, हम कोई रोजगार उत्पन्न नहीं करा पा रहे। और यहाँ आज जीतने के बाद विधायक ने वादे करे थे विकास के, वादे करे थे 24 घंटे लाइट के, किसान के लिए वादे करे थे फसल दोगुनी होगी, उन्नति किसान की होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आज वो वादे से झूठी घोषणाओं में तब्दील हो गए। माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन दिया है, कमलनाथ जी ने कभी घोषणा ही नहीं करी, आज महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के लिए, और हर व्यक्ति के लिए, खासकर जिस व्यक्ति के लिए इलाज कराने के पैसे नहीं हुआ करते, आज सिर्फ उसको झूठी घोषणाएं दी जाती हैं, झूठे कागज दिए जाते हैं, हर प्रति परिवार को 25 लाख रुपए का मेडिकल बीमा कर कमलनाथ जी उनको इलाज कराने का काम करेंगे। तमाम वचन जो कमलनाथ जी ने दिए हैं, वो रानी अहिरवार जीतने के बाद कोरबाई क्षेत्र का विकास करेंगी, उन वचनों को पूरा करेंगी, और विश्वास है कि सर्वे के आधार पर जो जनता ने कहा, उस सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने रानी अहिरवार को टिकट दिया है। तमाम जाति समुदाय, सब धर्म के लोग ने कहा कमलनाथ जी से कि रानी अहिरवार को चुनाव मैदान में कुर्बाई से उतारिए, उन्हें टिकट दीजिए। उसी में कमलनाथ जी को जो यहाँ की जनता ने कहा, उसी आधार पर रानी अहिरवार को टिकट दिया, और निश्चित ही हमारा प्रत्याशी यहाँ कुर्बाई से विधानसभा जीत के जाएगा और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनने जाएगी। उनतीस तारीख को माननीय कमलनाथ जी आ रहे हैं। हर व्यक्ति में अपनी प्रतिभा होती है और टिकट मांगने का अधिकार हर व्यक्ति को होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई आपस में फूट डल रही है, अपनी बात रखने का अधिकार है। 29 तारीख को आपको सारे लोग
आज भी मेरी सबसे बात हुई है, पहले भी एक थे, आज भी एक है, और सामूहिक तौर पर आपको 29 तारीख को सब कमलनाथ जी के साथ दिखेंगे। यहाँ का चुनाव रानी हर बार नहीं लड़ रही, माननीय कमलनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं, और एक एक व्यक्ति मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहिए। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।